हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम एंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में चौबीस दो हजार चौबीस में ही पंद्रह अगस्त यानी कि आने वाले पंद्रह अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छाया किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघो राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो यू स्टूडियोज़ वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म

स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में चौबीस दो हजार चौबीस में ही पंद्रह अगस्त यानी कि आने वाले पंद्रह अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोविजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को सिनेमेटो इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज यूआर राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और यह इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स

चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अमेजॉन इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर एम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएं फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स है अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और एजे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को सिनेमाटो इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेश्स की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यू ए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थियेटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अमेजॉन इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेज करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फ़िल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफ़िट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी यह आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें Friends, तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में चौबीस दो हजार चौबीस में ही पंद्रह अगस्त यानी कि आने वाले पंद्रह अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोबानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज यूआर राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि तो होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने के निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोज आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो जो स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफ़िट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएं फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम एंटरटेनमेंट और ए जे ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को सिनेमेटो इस इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमन मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक साह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एमए एमए एंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है सौ करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फ़िल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वे एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी ए, जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइज़ में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो और सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फ़ैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज़ की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और एजे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी

बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज यूआर राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम मे, एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने के निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ पे अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेज करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो जो स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफ़िट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज़ की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के, वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और एजे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक के सिनेमा घरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को सिनेमेटो इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमन मलिक मनन भारद्वाज युवा राघो अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक साह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एमए मे, एमए एंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेश्स की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप तो देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वे एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फ़ैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स है अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और ये फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमा घरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छाया किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम एंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज़ के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने के निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने ख़रीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स है अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए और ए जे ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह 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 फिल्म 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 और फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है। तो फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को सिनेमेटो इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमन मलिक मनन भारद्वाज यूआर राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक साह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एमए एमए एंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश वेदा पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलिया है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी ए, जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेज करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएं फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मजा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फ़ैन हैं और एक्शन ड्रामा फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन थे सारे यहाँ पर हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज़ की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म और के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक सिनेमा घरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छाया किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियो एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिए गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आपको तो देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और ये एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने ख़रीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम Videos आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फ़िल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे purchase करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज़ वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफ़िट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएं फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मजा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फ़ैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविजन के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए और ए जे ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में 24 आ, 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और ये आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छाया किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युआ राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं को फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आपको तो देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन एक सौ पचास करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी ए, जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ पे अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अमेजॉन इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेज करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो जो स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मजा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी आप जो अपडेट्स है अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें so friends, तो दोस्तों आज के, इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज़ की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म फिल्म और ये फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक सिनेमा घरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छाया किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज़ होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं को फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अड़तीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और ये एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी ए, जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने ख़रीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो न्यू स्टूडियोज़ वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएं फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मजा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविजन के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहां पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफी और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए और ए जे ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह फिल्म और यह फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस को होने वाली है तो यह फिल्म आपके नजदीक की घरों में 24 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे ए इंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने के निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप तो देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वे एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप Amazon इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोज़ आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे purchase करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो यू स्टूडियोज वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फिलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फिलहाल यह फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मजा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थे सारे यहाँ पे हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी आप जो अपडेट्स हैं अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविजन के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें so तो दोस्तों आज के, इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है वेदा तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुबह स्टार जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कवर कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन रिलीज की तारीख और इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आई है वो सारे बताएंगे यह फिल्म आपको सिनेमाघरों में कब तक देखने के लिए मिल जाएगी यानी रिलीजिंग की डेट क्या है ये सारी चीज़ें बताएंगे और इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का कहानी क्या हो सकता है उसके ऊपर भी एक रिव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म वेदा के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का क्या हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना उत्साहित है और इस फिल्म के ट्रेलर को क्या रिस्पांस मिला यह भी बताएंगे और ट्रेलर के ऊपर भी बातें करेंगे और फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जॉन अब्राहम एक बेहतरीन फिल्म के वो फिल्म के साथ वो आ रहे हैं फिल्म वेदा एक आने वाली भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियोज एम ए इंटरटेनमेंट और ए जे इंटरटेनमेंट ने किया है इस फिल्म में जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है यह 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 फिल्म 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 और ये फिल्म के लिए जो डेट फाइनल किया गया है है वो 15 अगस्त 2024 को होने वाली है। तो ये फिल्म आपके नजदीक की सिनेमाघरों में 24 आ, 2024 में ही 15 अगस्त यानी कि आने वाले 15 अगस्त को यह फिल्म आपके लिए रिलीज की जाएगी और अगर आप जॉन अब्राहम सर के फैन हैं तो यह फिल्म आपको बेहतरीन लगने वाली है और यह आपको बेहतर 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 यानी कि जॉन अब्राहम की भी एक बेहतरीन मूवी में से ये एक मूवी होने वाली है जैसा इस फिल्म का बज बना हुआ है बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो भी इस फिल्म को निर्देशित किया है निखिल आडवाणी ने जबकि इस फिल्म की कहानी को लिखा है अमित अरोड़ा ने फिल्म को उत्पादित किया है उमेश के आर बंसल ने मोइनिशा आडवाणी और मधु भोईजवानी के साथ साथ जॉन अब्राहम ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के मुख्य कलाकार जॉन अब्राहम सरवरी अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हैं फिल्म को छायांकित किया है मलय प्रकाश ने जबकि इस फिल्म को इस, इस फिल्म का एडिटिंग किया है माहिर जावेरी यानी कि संपादन माहिर जावेरी ने किया है फिल्म के जो गाने हैं यानी संगीत दिया है अमान मलिक मनन भारद्वाज युवा राघो राघव अर्जुन ने इसके गाने दिए हैं और कार्तिक शाह ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए हैं उत्पादन की बात करें तो जी स्टूडियोज एम एम ए इंटरटेनमेंट और जे एंटरटेनमेंट ने इस मिलकर यह फिल्म को उत्पादित किया है और इस फिल्म का वितरण जी स्टूडियोज के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का किया जाने वाला है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज़ होने वाली है फिल्म की टोटल अवधि यह होने वाली है अवधि होने वाली है डेढ़ सौ मिनट यानी डेढ़ सौ मिनट की यह फिल्म होगी और ये इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया जाना है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म का जो फिल्मांकन है 20 जून 2023 को राजस्थान में शुरू किया गया और शूटिंग दिसंबर 2023 में कश्मीर में पूरी हो गई फिल्म के निर्माताओं ने 25 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं की घोषणा करने चिंताओं की घोषणा की क्योंकि केंद्रीय फिल्म मंत्री यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसे एक महीना पहले आवेदन किया गया था और बाद में इसे अप्रूव नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसे अप्रूव किया गया और 25 जून को फिल्म को दोबारा समिति में भेजा जाने की निर्माताओं की फीडबैक नहीं किया गया और पुनर्निरीक्षण सहित अठतीस जुलाई को फिल्म की स्क्रीनिंग की जिसके कारण नौ दशमलव एक चार मिनट को इस फिल्म से हटा दिया गया और कुछ बदलावों को लागू किया गया इन संशोधनों के बाद वेदा को यानी जिसको हिंदी में वेद बोला जाएगा और इंग्लिश में वेदा आप पढ़ सकते हैं इस फिल्म को 6 अगस्त 2024 को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूए प्रमाण पत्र मिल चुका है तो यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप देखने के लिए मिलने वाला है 100 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है और यह फिल्म को यह फिल्म का जो रन टाइम है 150 मिनट की है और यह फिल्म को हिट होने के लिए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा तो जिस हिसाब से बहुत समय के बाद शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री से यानी कि वो फिल्म लेकर आते हैं और जॉन अब्राहम उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अलावा जॉन अब्राहम ने जो विलेन का रोल किया काफ़ी बेहतर बेहतर फिल्मों में की है और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया है और काफ़ी दिनों के बाद वो फिल्म में लीड रोल के लीड रोल में आ रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं फिल्म का जो ट्रेलर है ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म का जो नेत्र फिल्म के जो अंदर की कहानी झांक के आती है वो इसमें दिखाया जाता है कि वेद एक बहादुरी की कहानी है और एक शक्ति की कहानी है और यह एक विद्रोह की कहानी है एक क्रूर व्यवस्था को चुनौती देने की कहानी है यह एक युवा महिला की कहानी है जिसने एक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया तो इस फिल्म का जो हिसाब इस फिल्म में जो अगर आप इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है अगर संगीत की बात करें तो विदा का बैकग्राउंड इसको और कार्तिक शाह ने बनाया था जबकि प्रत्येक गीत में अलग अलग संगीतकार हैं और पहला सिंगल शीर्षक इस फिल्म का होलियाँ है और इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल दो गाने रखे गए हैं वेद को शुरू में 12 जुलाई दो को दुनिया भर में थिएटर के अंदर रिलीज किया जाने वाला था लेकिन बाद में इसे स्वतंत्रता दिवस 2024 को पुनः निर्धारित किया गया और दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा कोई इसमें पोस्टपोन नहीं हुआ तो यह फिल्म आपको 15 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा और यूट्यूब की बात करें कि यह फिल्म यूट्यूब पर कौन से चैनल पर उपलब्ध होगी दो तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो फिलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जी ए, जी नेटवर्क तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जी नेटवर्क के पास होंगे अगर वो बेचती नहीं है तो इस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे फ्यूचर में भी देखेंगे तो आप जी मूवीज़ के ऊपर देख पाएंगे और इस फिल्म को ओ के ऊपर की बात करें तो अगर ओ टी अभी तक इस फिल्म को किसी ने खरीदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अमेजॉन इस फिल्म को जी फाइव के ऊपर देख पाएंगे अगर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस आकर इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीद लेते हैं तो लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई है ऐसा लगता है कि मूवी पहले थिएटर में आएगी थिएटर में आने के बाद वो फिल्म चलेगी और उसके हिसाब से इस फिल्म की बोली लगेगी और बाद में इसे परचेस करेंगे यानी कि ओ वाले इसे परचेस करेंगे फिलहाल ये फिल्म को लेकर थोड़े से चिंतित हैं यानी कि ओ वाले की पता ना ये फिल्म कितना परफॉर्म करेगा लेकिन ये ये फिल्म जैसे ही परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर देगा तो यू स्टूडियोज़ वालों को भी यानी प्रोडक्शन को भी इस फिल्म इससे प्रॉफिट होने वाला है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो अच्छे खासे प्राइस में बेचे जाएंगे फ़िलहाल जॉन अब्राहम को देखने के लिए उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं तो बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ये आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड अब जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स को हम आपको अपडेट्स को सारे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख पाएँ फ़िलहाल ये फिल्म जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के हिसाब से अगर बात करें तो थिएटर में ये फिल्म देखने का जो मज़ा होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है तो दोस्तों आप अगर जॉन अब्राहम सर के फैन हैं और एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप थिएटर्स में एक बार ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन थे सारे यहाँ पर हैं और इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट्स है अगर निकल कर सामने आते हैं और ओ के अपडेट्स या फिर टेलीविज़न के अपडेट्स या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स इस फिल्म के रिगार्डिंग आते हैं हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से देख सकें